जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिएगा NVS नवोदय विद्यालय समिति में जितने भी पोस्ट के यहाँ पर आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाने थे वो आपके आज यानी कि 13 मार्च 2022 को कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपकी हर एक पोस्ट की जो भी आपके आगे की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो आंसर की है, जो आपका स्कोर कार्ड है वो कैसे आउट किया जाएगा, कैसे आपको चेक करना है, कितने दिन बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा, हर एक पोस्ट में कितने बच्चों ने यहाँ पर आपका एग्ज़ाम दिया है, आपकी हर एक पोस्ट में आपकी हर एक कटाई की कट ऑफ कितने रह सकती है, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन या फिर आपकी प्रोसेस है रिजल्ट के बारे में, उसमें क्या कुछ चीज़ें आपके फॉलो की जाएंगी, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यदि आपको पता हो कि कौन कौन सी पोस्ट का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया था तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि 8 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और लगातार जो आपके एग्ज़ाम हैं 13 मार्च तक चले थे, जिसमें 8 मार्च को फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था। 9 मार्च को आपका JSA और लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था। 10 मार्च को आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और MTS का एग्ज़ाम था। 11 मार्च को आपका ऑडिट असिस्टेंट और JSA का एग्ज़ाम था। 12 मार्च को मैस हेल्पर, JTO, AC और आपका JEE सिविल का एग्ज़ाम था। और 13 मार्च को जो है आपका लास्ट एग्ज़ाम आज असिस्टेंट कमीशन का जो है वो कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ पर आपने चाहे किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम दिया हो, जो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद पहली प्रोसेस है वो है आपका आंसर की का आउट किया जाना। तो आपके एडमिट कार्ड में आप लोग ऑफिशियली देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर इंडिविजुअल आंसर ऑनलाइन रिस्पॉन्स फ्रॉम आपकी 18 मार्च 2022 से, यानी कि इस डेट से 18 मार्च 2022 से जितने भी यहाँ पर पोस्ट आपकी कंडक्ट की गई थी एग्जाम के दौरान उनके आंसर की आपके जो है अपलोड कर दी जाएगी 18 मार्च को। और जैसे ही यहाँ पर आपके आंसर की आउट होती है आपका लिंक अवेलेबल होता है तो आपको हम पूरी जानकारी जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपके आंसर की जानकारी है वो आपको हमने बता दी है। अब आंसर के आउट होने के बाद आपका जारी किया जाएगा रिजल्ट। तो अगर बात करें कि रिजल्ट आपका कब तक आउट किया जाएगा, तो लगभग आप ये मान कर चलिएगा कि या तो आपका अप्रैल में या फिर आपका अप्रैल के लास्ट के बाद मई में जो है ना वो आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा। जो 99% चांस है कि आपके रिजल्ट के आउट होने के वो है आपके अप्रैल में, कि अप्रैल में आपका 99% रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 1% आपके कमीशन की कोई दिक्कत हो जाती है वहां पर आपका चांस है मई में रिजल्ट के आने का, अदरवाइज आपको अप्रैल में आपकी सभी पोस्ट का जो रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर बात करें कि ये जो आपका रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में आपकी कट ऑफ कितने बनेगी, तो मैं यहां पर आपको हर एक पोस्ट की जो है अलग अलग वाइज बताने से पहले जितने भी यहां पर आपकी पोस्ट हैं उसकी कट ऑफ के बारे में कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको देखकर खुद आप लोग जो अपनी कट ऑफ है डिसाइड कर पाएंगे। तो आपके पॉइंट कौन कौन से हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है कि आपकी वैकेंसी, आपको ये देखनी है कि जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के टोटल कितनी वैकेंसी हैं और फिर टोटल में से जो भी आपकी कैटेगरी है उसकी कितनी वैकेंसी हैं, ये बात आपको चेक करनी है। देन यहाँ पर आपको एग्जाम का लेवल, अगर हम बात करें टोटल पोस्ट के बारे में तो यहाँ पर आपके सभी पोस्ट को मिलाकर एक एवरेज टू डिफिकल्ट जो लेवल है वो आपको एग्जाम में देखने को मिला था। नॉर्मल यहाँ पर आपको जो है एग्जाम का लेवल देखने को नहीं मिला। अगर बात करें अटेंडेंस, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें से कितने बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ये सबसे बड़ा पॉइंट आपका होता है कट ऑफ डिसाइड करने वाला। तो लगभग यहाँ पर आपके 70 से 80% के बीच, मैं 75% कहूँगा कि यहाँ पर बच्चे जो है एग्जाम देने गए थे सभी पोस्ट की एवरेज अटेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। देन यहाँ पर आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें
तो देखिएगा आपकी जो भी पोस्ट है तो उस पोस्ट में आपका जो है नॉर्मलाइजेशन तभी लागू होगा जब आपका एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में और एक से ज़्यादा दिन कंडक्ट किया गया हो, वहीं पर आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। और यहाँ पर आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनका एग्जाम एक ही दिन में और आपका एक ही शिफ्ट में कंडक्ट किया गया है, तो इस वजह से वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होता है। सेकेंड चीज़ कि आपके एग्जाम में हर एक पोस्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग थी और ये आपका सबसे बड़ा इफेक्ट डालेगा कट ऑफ को कम करने में। कम क्यों करने में? क्योंकि लगभग जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम में तुक्का लगाते हैं, चाहे किसी ने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, क्वेश्चन आपका गलत तो होता ही होता है जिसमें आपको डाउट होता है और वही आपके स्कोर को नीचे लेकर आता है, तो इसी वजह से कट ऑफ की कम जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें एवरेज अटेम्प्ट की, तो देखिएगा ये जो आपका डाटा है ना 80% का, ये मैंने बताया आपके 100% में से, यानी कि जो भी आपका एग्जाम है उसको मैं 100% मानकर चलूंगा, तो यहाँ पर 80% से नीचे लगभग यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँ तो 65 से 70% के बीच में जो है आपका एवरेज अटेम्प्ट सभी पोस्ट में देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट में आप अपनी कैटेगरी देखिएगा और फिर वहाँ पर मैं आपको ये जो डाटा बता रहा हूँ इसके अनुसार आप अपने कट ऑफ जारी देखिएगा। कैसे देखनी है वो सुनिएगा। सबसे पहले आपकी जर्नल कैटेगरी 75% है, EWS 72% है, OBC 70% है, SC 65% और ST आपका 62% है। अब ये क्या चीज़ है तो वो सुनिए, जो भी आपकी पोस्ट है और उस पोस्ट में आपका जो टोटल मार्क्स है तो कितने नंबर का आपका पेपर था उसको आपको 100% मानना है और उस 100% में से आपको निकालना है कि इतने परसेंट यदि नंबर आपके बनते हैं तो यहाँ पर आप लोग जो है अपने आगे के प्रोसेस के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये 100 में से नहीं, आपके टोटल नंबर को परसेंटेज मानकर 100% मार्क जो है मैंने आपको ये कट ऑफ का आइडिया जो है वो आपको बताया है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट को आप लोग जो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपके जो कट ऑफ है उसके बाद जो आपके आंसर की आएगी उसमें आप लोग क्या चेक कर सकेंगे कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है और यहाँ पर टोटल नंबर कितने बनते हैं आपके नेगेटिव मार्किंग को मिलाकर, और जो आपका एनिवे स्कोर कार्ड जारी करेगा उसमें भी आपको सारी जानकारी जो है अच्छे तरीके से बताई जाएंगे, कितना स्कोर आपका बनता है नेगेटिव मार्किंग को मिलाकर। ये चीज आपको एनिवे से भी खुद जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट करेगा। ओके जी, अगर बात करें नेक्स्ट प्रोसेस की, तो पहली प्रोसेस क्या है, आंसर की का आउट होना जो कि आपके 18 मार्च को आएगी। उसके बाद आपका होगा रिजल्ट आउट हर एक पोस्ट का। देन यहाँ पर आपका कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपका होगा CBT 2 कंडक्ट है और कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपका डायरेक्ट DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब वो कौन कौन सी पोस्ट हैं वो सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पोस्ट आपके इस भर्ती में आउट की गई हैं तो वहाँ पर कुछ आपके ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद जो यहाँ पर आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा, कुछ पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा और कुछ पोस्ट में आपका जो है डायरेक्ट DV होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पर आपकी असिस्टेंट कमिश्नर है, नंबर सेकेंड आपकी असिस्टेंट कमिश्नर ADMN, सेकेंड आपका नंबर तीसरा है जूनियर इंजीनियर सिविल, ये तीन आपकी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर आपका CBT के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ओके, इसके अलावा कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें यहाँ पर आपका डायरेक्ट डेब्यू होगा, वो कौन कौन सी पोस्ट हैं वो सुनिएगा। एक है आपके फीमेल स्टाफ नर्स, सेकंड है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद है आपका ऑडिट असिस्टेंट, फिर है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर है कैटरिंग असिस्टेंट, फिर है लैब अटेंडेंट और फिर है आपका MTS। इन सभी पोस्ट में न तो कोई आपका इंटरव्यू होगा और न कोई आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, डायरेक्ट आपका जो CBT है उसी के बेस पर आपके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपका ट्रेड टेस्ट या फिर जिसको बोलते हैं स्किल टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा। अब वो कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो एक है आपकी स्टेनोग्राफर, सेकंड है आपकी JSA
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, देन है आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, फिर है मैसो हेल्पर है। इन सभी पोस्ट में जो है आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर आपका जो डेवी है वो कंडक्ट किया जाएगा। और याद रखिएगा जो भी आपकी पोस्ट हैं जिनमें आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेरिट में कोई उसका वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये थी आपकी सारी जानकारी आपके भर्ती के बारे में और आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट रहने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।